हेलो, अंदर ठीक है, चलेगा। बहुत बढ़िया, क्या लग रही है देखिए। शुरू करें, देखिए इस अवार्ड के बारे में तो दुनिया जानती ही है। मेरे दो बहुत नजदीक के बहुत ही प्यारे लोगों को अवार्ड मिला, उसके लिए आया हूँ। दमन सूद जी जो वन ऑफ द ग्रेट रिकॉर्डिस्ट राहत साहब जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, सहारनपुर से पढ़ा रहे हैं, तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इसमें हाजिर हूँ और अपनी भी इज्जत उनके सामने पेश करूँ कि आप लोगों को जो ये अवार्ड मिल रहा है आप इसके असली हकदार हैं। कैसी हो? पहले ये ले लीजिए। नाइस राज भाई, आपके साथ एक तस्वीर। शुक्रिया। अब इनके इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ हाँ, दो मिनट में। नमस्कार नमस्कार, डॉक्टर शानी शाह बहुत ही अच्छे इंसान है। शानी जी ये IHRC की फाउंडर मेंबर है और मैं लास्ट 2-3 साल से उनके साथ जुड़ी हूँ। कलकत्ता में भी प्रोग्राम किया है, अभी 2 साल कोविड की वजह से कर नहीं पाए। और डॉक्टर अम्बेडकर नोबेल अवार्ड जो हो रहा है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अवार्ड मिल रहा है, मेरी एसोसिएशन को अवार्ड मिल रहा है और मेरी कई दोस्त लोगों को अवार्ड मिल रहा है। और हम लोग जब भी अच्छे काम होता है, अच्छे कॉज होता है और अवार्ड जो ऐसा होता है ना, जो इनकरेज करते हैं आगे अच्छे काम के लिए, हम लोग हमेशा वहाँ पर प्रेजेंस है। थैंक यू वेरी मच एंड सब टेक केयर अपने आप के अपने हिसाब से, और आगे कोविड आए और जो भी है हम लोग और रुकेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। एकदम एकदम एकदम
दो साल हम लोग सब लोगों को ही पता है, बट हम लोग क्रिएटिव जो हमारे क्रिएटिव कनेक्शन है वो कभी भी रुकते नहीं है, वो अच्छे काम के लिए जुड़ते हैं। और बैशाखी आ रहा है और हम लोग सब मिलकर फिर धमाल करेंगे। और इस बार हम लोग एक लॉन्च कर रहे हैं वुमेन सब्सटेंस अवार्ड, जो एक्सेप्शनल कुछ वुमेन को हम लोग अवार्ड देंगे और आगे इसको एक बिग लेवल पर लेके जाने का इच्छा है। और हम लोग सोशल वर्क और अच्छे काम तो करते ही है, आप लोगों को पता ही है हर फील्ड में जैसे कर पाते हैं। और डॉक्टर स्थानी शाह और उनकी एसोसिएशन मिल के क्रिएटिव कनेक्शन के साथ बहुत अच्छे अच्छे काम अवार्ड सब करेंगे आगे जाके। थैंक यू, थैंक यू। अरे तेरा थैंक यू बूम्स ले लो गाइस। जी 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 मैं निकी बात करते मैं हम राम का और जल रहा है अरुण जी का अनुभव मैं दोनों को रेडी रोलिंग सेंटर में इधर थोड़ा थोड़ा सा पास बारिश भी। कांग्रेचुलेशंस आपका, अभी भी गाना रिलीज हुआ है और बहुत धूम मचा रहा है, आज हमको अवार्ड भी मिल रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू से? I just want to say thanks to God and Shomu Mitra ji and Dr. Sanish Bharti ji for giving me this such a great opportunity to receive this award. I'm so happy, I'm so honored to be here. And song जो है इतने शुभ दिन में रिलीज हुआ है और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। और गाना जब भी कोई हम आर्टिस्ट नया रिलीज़ करते हैं सो वो लोगों का होता है, वो हमारा नहीं होता। तो लोगों से ज़्यादा प्यार मिले और आशीर्वाद मिले, इससे ज़्यादा आर्टिस्ट के लिए क्या बात हो सकती है। सो आई एम सो सो हैप्पी दैट आई एम गेटिंग सो मच अप्रिसिएशन, लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। चलिए रोल मैं राहत अली खान गज़ल सिंगर, अवार्ड तो अक्सर मिलते रहते हैं और मैं पहले भी यश भारती पुरस्कार से सम्मानित हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, लेकिन ये जो बाबा अम्बेडकर की जानिब से ये अवार्ड मिल रहा है मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। खुशनसीब हूँ मैं कि फ्रॉम सहारनपुर से बम्बई आया हूँ उस अवार्ड के लिए। मैं इनकी संस्था की ओर से बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ और इनका बड़ा एहसान मंद हूँ कि सनी साहब ने मुझे इस अवार्ड के लिए मधु किया है। और हिंदुस्तान में भाईचारा रहे, हम सब एक रहे, कि इसकी अजमत पर कर देंगे तन मन धन कुर्बान, ये प्यारा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक है नारा, इस गुलशन का पत्ता पत्ता जान से हमको प्यारा, अमर रहे वो नेहरू गांधी अशफाकुल्ला खान, ये प्यारा हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान। शुक्रिया, मेहरबानी। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फ़िलहाल में एक आपका जय भीम एक फिल्म आ रही है तो उसमें मैंने अभी एक गाना लिखा है और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से। और मैं आशा करता हूँ कि उनका जो लिखे हुए संविधान है और उन पर हम चल सकें और उनके अनुयायी बन सकें। मेरे बच्चे भी हैं, वो लोग भी बहुत मानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर को। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पे हूँ और आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह हमेशा आप लोगों के बीच रहूँ और मुझसे जो बन पड़े और मैं
इनका साथ दे सकूं और आप लोगों के भी जाता रहूं। थैंक यू। खुशी की बात है और मैं बहुत खुश भी हूं कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो अवार्ड मिला है और ये एक जो संस्था आप लोग चला रहे हैं ये आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपको अवार्ड भी मिल रहा है, पब्लिक सिटी भी होती है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, छोटे दिल पे वो खाई मजा गया, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, हो मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, हग ऐसी लगाई मजा गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जयंती आहे आणि त्याच्या नावाने हा मला पहिला आठवण मिळते। आपण जे काही काम केलेलं आहे अजून तुम्हाला जोरदार काम करायची आता मला हुरूप पाठवली आहे। खूप खूप धन्यवाद सर्व टीमचे आणि सर्वांचे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय सेल्फ सुनील मिश्रा आणि इंटर सर टूर्नामेंट सीनियर रणिंगच्या माय Dipshi, congratulations, yet another on your shiny looking glamorous and as a monument for your ancestors. Yes, 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 please. Yeah. Okay. Silence everyone. Silence everyone. Chalo, question. Yes. Yeah, I let me answer Faruz Singh. Thank you very much. That's your love for saying this. Thank you for this award. Awards hamesha aapko khushi dete hain. Aapko honor karte hain and today Shomu Mitra and entire women counseling human rights people who has done this. I heard they've done such a good noble cause and they are doing a lot of good things. Keep doing it and once again thank you for appreciation and I'm always there for this kind of work. So congratulations to entire team. थैंक यू कहना चाहूंगी पूरी टीम को इस ऑनर के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट कितना भी काम करे जब अवार्ड मिलता तो अच्छा ही लगता है। सो वंस अगेन थैंक यू टू एंटायर टीम सोमो एंड ह्यूमन राइट्स एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
यस रोल करें अभी डन It always feels really, really amazing to be appreciated, and I'm really happy, and it's an honor to be here, to be receiving this award. I know that a couple years back, my dad had received the same award, so it really feels good. I feel like I'm on the right path. For sure, I feel like, you know, awarding people, it's a sign of encouragement, it's a sign of appreciation, and I feel like we should always, always value that. And, you know, for me, whenever I get appreciated by, you know, by people, whether it's through my awards or it's through, like, my fans in general, I feel very blessed, and it just motivates me to keep going. Thank you. So it would be a recent single of mine. It's called Run, and it's all about being confident and fearless. So it goes something like that. Hey, Mr. Sue, are you listening? Did you forget what our dream is? I'm sick of you losing reasons. Yeah, the clock is ticking. The tides are changing. Our revolution is here to stay. We're gonna run in this city. Knock, get ready. Run, and get with it. Time's up, we're winning. Run for your life if you're not a believer. A believer. Run in this city. Knock, we're coming for ya. Thank you. Yes.
नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है जब जो काम करते हैं उसके लिए रिकग्निशन मिलता है, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो आई एम हैप्पी। नहीं, शोमू से तो बहुत पुरानी पहचान है एंड शी इज़ ऑलवेज बीन डूइंग गुड वर्क, बहुत सारा चैरिटी वर्क भी करती रहती है, अच्छा काम करती हैं, तो मैं भी यहाँ पे उसी के लिए और उसी की वजह से हूँ। बेसिकली क्या होता है, साल भर हमारे मेंबर ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करते हैं, काफ़ी हद तक बहुत सी पीड़ा एडमिनिस्ट्रेशन फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से भी उनको परेशानी उठानी पड़ती है, प्रॉपरली न्याय नहीं मिलता, फिर अन्याय के खिलाफ में लड़ना न्याय के लिए, तो खूब जब्तोजतन करने पड़ते हैं। तो हम लोग साल में एक इवेंट इस तरीके से रखते हैं ताकि हमारे मेंबर्स भी मोटिवेट हो और उनको भी थोड़ा आनंद मिले और संगठन में उनको गर्व महसूस हो कि संगठन इस लेवल पे भी बड़े कार्यक्रम करते हैं। तो अगर कुछ एग्जांपल हम साइट करें, यू नो, लोगों को इनकरेज करने के लिए, एक जो आपको लगता है दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू। देखिए मैडम, लोगों के लिए काम तो करते ही है, हमेशा पीड़ा से भुगतना ही पड़ता है। ग्राउंड लेवल पे काफ़ी हद तक जो काम ये लोग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस स्टेशनों में तकरार और ऐसे सब केसेस पे इनको काम करना पड़ता है, तो काफ़ी आदमी डिस्टर्ब भी होता है इन सब चीज़ों से, तो एक मोटिवेशनल के लिए ये प्रोग्राम है। आज आपने इतना अच्छा शो रखा, आपने हर फील्ड से बाहर कंट्री से लोग आए हैं, तो हाउ डज इट फील, यू नो, जब इनकरेजमेंट को लोग इतना पहचानते हैं। हम 4 साल से हम कर रहे हैं और फॉरेन से हमेशा लोग आते हैं, हमारे जितने भी मेम्बर्स हैं पूरे इंडिया वाइड से आते हैं, ये रेगुलर बेसिस पे है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि जब भी किसी कलाकार को अवार्ड मिलता है, कलाकार के अंदर जोश आता है, उत्साह आता है और काम करने की शक्ति आती है और मन से धन्यवाद निकलता है परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए, बहुत प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए जो हमारे दर्शक माँ बाप है, उन्हें काम देते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दर्शक ही हमारे हम उसे निखारती है और कहीं अगर कोई गलती हो जाए तो अभी से क्षमा कर। तो मैं समझता हूँ कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ये अवार्ड जो मिल रहा है ह्यूमन राइट्स का, मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस टीम से जो भी लोग जुड़े हैं उनका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, ताकि वो ऐसे ही लोगों को सम्मान देते रहे और ऐसे ही अवार्ड कलाकारों को मिलते रहें, क्योंकि कलाकारों को जब गर्व मिलता है तो वो अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करने के तहत आगे बढ़ते हैं, तो एक जिम्मेदारी भी आती है इस अवार्ड के बाद। तो वैसे उसको भी
पार करने के लिए आपको पास होना चाहिए। तो आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, क्योंकि आप हो सब धरती के लाल। नई तरीके से दुआ दे रहे हैं प्रभु जी का उस रूप का लगवा। आज इस मौके पे हम आर्टिस्ट को बुलाते हैं आने वाले जनरेशन के लिए नेक काम जो आप लोग कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसे काम करते रहें। और मेरी मेरा कंटेंशन है जो मेरा सिंगल निकला था, शुक्रिया करना चाहता हूँ। Thank you so much for inviting me, and thank you International Human Rights Council for having me and for organizing such a beautiful event. And I've been calling such artists and just so many artists together who always teach us, because you know, we get to learn from the people and you are around us to get to know their personality, and you understand how people are in real life. And thank you for actually doing such a human thing to appreciating all these artists. Right? Thank you so much.
मुझे चीज को ये अवार्ड दिया जा रहा है बहुत बहुत जो वर्ल्ड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है मुझे काम करने के लिए आ रहे हैं और ये
हम जो कलाकार होते हैं वो हमेशा ही जब हमें इनकरेजमेंट मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो हमें और अच्छा काम करने की इच्छा होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमें जो नवाजा गया है, हमें जो ये अवार्ड मिला है, इसके पीछे बहुत मेहनत गई है, और जिन्होंने हमें प्यार दिया है इतना, उसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उन्होंने हमारा संविधान लिखा है, हमारे देश को उन्होंने एक जैसा सबको देखने पर मजबूर किया है, उन्होंने हमें प्रेरित किया है कि हम सबको एक ही नज़र से देखें। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम कलाकार जो हैं, जो आर्ट के लोग हैं, वो इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि हम सबके लिए परफॉर्म करते हैं और सबका प्यार हमें मिलता है। थैंक यू सो मच। बहुत 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 ही खुश हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट ये अवार्ड मुझे मिला, एंड इसके इससे अच्छा और क्या आर्टिस्ट के लिए सम्मान हो सकता है कि इस तरह के अवार्ड के साथ उसे सराहा जाए। अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है, तारा वर्सेस बिलाल। अभी हमने फिलहाल लंदन में शूटिंग की थी, तो अभी वो ख़त्म हुई है। और एक और फिल्म आ रही है, इनविजिबल रेन, शबाना आज़मी जी के साथ है वो, विकास खन्ना, शेफ विकास खन्ना ने दे रखी है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। कैसा एक्सपीरियंस रहा किसमें? अरे मैं नाम भूल गया, जावेद अख्तर। शबाना जी के साथ काम करते हैं आपका? वो तो बहुत ही ग्रेट एक्ट्रेस हैं, मतलब उनसे इतना सीखने को मिलता है, हर एक परफॉर्मेंस जो, हर एक जो उनका डायलॉग डिलीवरी जो है, हर एक शॉट जो होता है, उससे बस ऐसा मन करता है उन्हें ही देखते जाएं। कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें ही भी रिएक्शन देना पड़ता है। थैंक यू सो मच। सुहाना जी आ रहा था। एक फोटोग्राफ हमारा कर दीजिए प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। दो मिनट चाचा। थैंक यू। उसका उसको ले लीजिए स्क्रीन। नहीं नो नो, उसको स्पेस में मैंने कर लिया। ना ना इशू ना। क्या बे आप जैसे हाइला बस टाइम अपडेट करके व्हाट्सएप नवाज़ गया, इसके बारे में क्या कह रहे हैं?
आई थिंक कोई भी अवार्ड जब मिलता है एक आर्टिस्ट को, मैं भी अपने आप को आर्टिस्ट ही मानती हूँ, आई थिंक इट्स क्वाइट अ ग्रेट ग्रेट फीलिंग, बिकॉज अवार्ड कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता. मैंने सुना है कि लोग बड़े सिलेक्टिव होते हैं अपना अवार्ड लेने में. मुझे लगता है कि कहीं पे भी ऑनर मिले आपके काम के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जुड़ा कोई अवार्ड हो तो डेफिनेटली. एंड मैं मोस्टली हमेशा शोमू के लिए आती हूँ उसको सपोर्ट करने, बिकॉज वो इतने अच्छे इनिशिएटिव्स लेती हैं. तो हमेशा मेरी इच्छा होती है एंड आई कीप ट्राइंग कि मैं हमेशा हूँ वहाँ पे प्रेजेंट, एंड आई विश द टीम ऑल द बेस्ट कि ऐसे अवार्ड्स वो करते रहें और अच्छे आर्टिस्ट को सम्मानित करते रहें. पहले हमें शर्म आया करती थी कि जो हमारा काम है वो हम करते रह रहे हैं, उसमें अवार्ड क्या मिलना. पहले हम सकुचाते थे, शर्माते थे इन अवार्ड फंक्शन से. हमें लगा था हम तो अपना काम बदस्तूर कर रहे हैं, उसमें अवार्ड क्या मिलना. ठीक है भाई, लेकिन हमने उसके बाद सीखा कि अक्नॉलेज करना चाहिए अपने आप को सबसे पहले. अगर हम अपने आप को ही अक्नॉलेज नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू इंडियन काउंसिल ऑफ टू आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दिस इंटरनेशनल ICH. हाँ, भूल गई नाम. IHRC. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. आई कांट डू दिस. हाँ, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सनी शाह जी, फॉर ये कि मुझे इस फंक्शन में इस नाचीज को नवाजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. शोमू मित्रा जो सालों से हमारे मित्र हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने हमसे जानवरों को खिलाना सीखा है. और साथ ही क्रिएटिव कनेक्शन जो शोमू मित्रा ने फॉर्म किया, उसका एक अंग हम शुरुआत से ही हैं. उन्नति करते हुए लोगों को देखकर खुशी होती है, शोमू हो, निधि हो, या फिर कोई भी हो. सो सब तरक्की करें, खुश रहें. थैंक यू. आई एम वेरी हैप्पी एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली अवार्ड्स जब मिलते हैं तो आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, तो अच्छा ही लगता है. और थैंक्स टू शोमुदी जिन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया और हमें यहाँ पे बुलाया आज और हमें ये अवार्ड से यू नो नवाजा. सो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक्स टू द एंटायर टीम, दे आर डूइंग अ गुड जॉब. थैंक यू सो मच. ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, क्योंकि नाम ही इतनी भारी है डॉक्टर अम्बेडकर. ये जो आज सनी शाह जी ने IHRC की जो फाउंडर है, उन्होंने जो आज ये आफ्टर 2 ईयर्स ऑर्गेनाइज़ किया और हम लोग जो सब एक साथ जुड़ पाए, और मुझे जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है वुमन सेक्रेटरी का, मैं वो निभाना चाहूँगी. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मेरे सारे फ्रेंड्स एसोसिएट मेरे साथ है, और सबको आई थिंक अच्छा ही लग रहा है जी. आफ्टर 2 ईयर्स आर्टिस्ट के लिए ये अवार्ड क्या होता है, एक इनकरेज होता है और आगे और अच्छा काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है. पूजा इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बींग, वेरी गुड फ्रेंड, एंड शी इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन इन टॉलीवुड एज वेल इन बॉलीवुड. और बाकी तो पूजा उसकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है धमाल कर रहे हैं पूरी यूट्यूब वगैरह में. सो वो बेटा शेयर. तो पूजा जी क्या देखने मिलेगा अपकमिंग में? अभी मैं हॉटस्टार के लिए कर रही हूँ, अनुपमा का जो प्रीक्वल है वो कर रही हूँ फिलहाल, वही देखने मिलेगा. इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत जल्द आएंगी, बट अभी मैं उनके बारे में बोल नहीं सकती. बट ऑल थैंक्स टू हर फॉर टुडे, शी इज डन अ गुड जॉब एंड शी ऑलवेज कीप्स डूइंग ग्रेट जॉब्स. सो या कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर एंड द एंटायर टीम, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. Thank you.
सबसे पहले थैंक्स कहूँगा पूरी टीम को, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की पूरी टीम को, उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है और मुझे अवार्ड से नवाजा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ये अवार्ड मिला है, जिन्होंने इस दुनिया को कैसे जीना है वो सिखाया है, तो हमारे काम को अप्रिशिएट करते हुए ये अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही काम करते रहेंगे, लोगों से प्यार पाते रहेंगे, उनका आशीर्वाद पाते रहेंगे, ताकि हमारे काम से हम सबको इंस्पायर कर सके और कहीं ना कहीं जो टैलेंट कहीं छुपा होता है किसी के अंदर जो बाहर नहीं आ पाता, तो हमारे काम के द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होकर अपना टैलेंट अपना आर्ट भी बाहर लाए। तो यस, मैं अपने डांस के थ्रू, अपने काम के थ्रू, अपने स्टेप्स के थ्रू लोगों को हंसाते रहता हूँ, लोगों को एंटरटेनमेंट देते रहता हूँ फ्रॉम टीवी। तो ये अवार्ड एक ताकत है, एक एप्रिसिएशन है हमारे लिए, ताकि हम और अच्छा काम करते रहे और लोगों को इंस्पायर करते रहे। तो थैंक यू सो मच, ये अवार्ड दिया है और आगे ऐसे काम करते रहेंगे ताकि और अवार्ड्स मिलते रहे और अप्रिसिएशन मिलते रहे और प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।